और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। हाँ को हाँ हम क्या लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आए थे, मोहल्ले हमारे मोहल्ले में आए, हम लोग से मिले। और नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट से निकलने के बाद दलित महिला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उज्ज्वला योजना के संबंध में जानकारी ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान निषाद राज को रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी दिया। निषाद राज को प्रभु श्री राम का मित्र कहा जाता है। ऐसे में निषाद राज को आमंत्रण देकर पीएम ने एक बड़ी राजनीति की शुरुआत कर दी है। भगवान राम ने लंका विजय से लौटने के बाद राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी निषाद राज को आमंत्रण भेजा गया था। कहते हैं कि भगवान राम ने इसके लिए भाई भरत को विशेष निर्देश दिए थे, उन्हें अपना अभिन्न मित्र बताया था। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लेकर निषाद राज के यहाँ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। सिर्फ राजनीति रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने दो बच्चों के साथ सेल्फी ली और अपना ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान दोनों बच्चे काफी खुश नजर आए। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगा था ये ड्राइंग बनाने में, तो मैंने बताया कि 3 घंटे लगे थे और रात को बनाए थे। यही कितनी बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आए थे, हमारे मोहल्ले में आए, हम लोग से मिले और वहाँ घर पे भी गए उनके। नहीं हम बता रहे हैं, उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी ले लेने दीजिए, और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले में आए, हम लोगों को पता भी नहीं था, अचानक वो आए ऐसे ही। हाँ वो उनके घर पे गए हैं, जाइए आप पता करिए। हम लोगों से रास्ते में बस मुलाकात हुई है। मेरा नाम स्वाति है। हेलो, ये दोनों बच्ची उसी निषाद परिवार के थे जिसको पीएम मोदी ने खुद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रित किया है। निमंत्रण के बाद निषाद परिवार में काफी खुशी का माहौल है। अब ये परिवार उन 8,000 लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें कि 22 तारीख वो दिन है, 22 जनवरी, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संबोधन में यह कहा है कि रामलला अब टेंट में नहीं अपने महल में विराजमान करेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से राम मंदिर का लाखों भक्तों को इंतजार था, ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और करोड़ों राम भक्त अपने राम को मंदिर में जा करके देख पाएंगे। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।